Ya se yo te online si me baja. Voy a ir una casa. ¿Dónde? Esto me da que mi jefe enseñara acá. A mi lugar me bate en catata. Es que hace ningún cara. Vamos a ver esto. Anton, son, tú piste mi basta en un bar. Garme la que vi, que si te hace una basta en un bar. Agar lo garme, es que garme bas ya te. ¿Qué es lo que se van a hacer? देखा ना सुबह को भी कितने थे, शाम को भी कितने आए हैं तुम, ये सब कैसे बनते थे? अगर दादा एक घर में मोह रखता था, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी औरत है, ये मेरा फलाना है, तो ये सब कैसे बनते थे? तुम देखो आज तक तुमने अपने वाले से कभी मोह निकाला है? तुम सब जो बैठे हैं, कौन याद है इधर अंदर के इधर के घर में कौन याद है बताओ? अभी भी तुम सब बैठे हैं, कौन याद है? मेरा मेरा बेटा याद है, मेरा पति मेरी पत्नी याद है। दादा ने मेरे को जला दिया, जिसने मैं और मेरे को नहीं जलाया है वो सर्व का हो नहीं सकता। ये सारी सृष्टि को आज ज्ञान लगा है, सारी दुनिया में ये ज्ञान गया है। क्यों? क्योंकि उसने मैं और मेरा छोटी छोटी जो फैमिली थी उसको उसने बुलाया। अभी सारी फैमिली आज उसकी है, सारी दुनिया उसकी है, सारी दुनिया को ज्ञान लगा एक से। और तुम इतने बैठे हैं क्या कर रहे हैं? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चों की तरह तुम्हारी जो है वृद्धि है, बच्चों की तरह चलता है, खाया पिया सोया भोगा मर गया, ये कोई लाइफ है? दादा सुबह से रात तक है बस यही बात, एक एक के घर में जाना, आपे ही जाना, आपे ही उसका दुख निवृत्त करना, विधवाओं के लिए, स्त्रियों के लिए जो गिरे हुए हैं उसके लिए, बीमारों के लिए, उसके दिल में बहुत दर्द था। बस में जाना, ट्रेन में जाना, कोई भी खर्चा नहीं लेना उससे, सब पैसा अपना खर्च कर, किसी का पानी का गिलास नहीं पीना। ऐसी निष्काम सेवा जब किया तभी आज ये सत्संग सब बढ़ा, आज करोड़ों को ज्ञान लग गया, सारी दुनिया में ये ज्ञान पहुंचा है। क्यों? क्योंकि कुर्बानी है, गुरु की कुर्बानी। तुम भी एक एक कुर्बानी सीखेगा दादाजी से, हम क्या सीखे आज उसकी लाइफ से, क्या सीखे? कुर्बानी सीखे, देना सीखे, मरना सीखे, मौन सीखे, चांद, मैं और मेरा, मैं और मेरे की दुनिया से ऊपर उठे, हमको शांति आएगी। शांति ऐसे नहीं आएगी, दादा का ज्ञान अलूप नहीं हुआ। क्यों? कृष्ण भगवान बोलता है मेरे जाने से मेरा ज्ञान ही अलूप हो जाता है। और दादा का ज्ञान अलूप नहीं हुआ क्यों? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बनता गया, बनता गया। उसकी मेहनत, उसकी जो अकेली मेहनत थी वो किसी भी अवतार ने ऐसी मेहनत नहीं की जैसी दादाजी ने की है। एक से एक बिठाते, लेना मन लेना, ध्यान लेना, लेना दर्द लेना, सब लेना। ये कोई गुरु बांधा नहीं बैठा है कोई, सारी दुनिया से एक गुरु दिखाओ जिसको टाइम है, तुमको एक घंटा बैठ के अकेले में बात करे, टाइम है? सारे करोड़े गुरु है दुनिया, इसको टाइम है? और वो जो भी सी घंटा फ्री था, कितने बजे भी मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दुख सुनूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम नहीं आ सकेगा मैं आऊंगा। इतना उसने अपनी अपना सुख त्याग किया, अपना सुख अपने वाले का सुख जब त्याग किया तभी सबको सुख मिला है। ये दादा के जीवन की कुर्बानी है, सारी दुनिया उसको नहीं पहचानती थी, सब उसको गाली देते थे, क्या है गृहस्थी लोग, अपनी औरत वाला, अपने बच्चे वाला, सारा दिन सुबह से रात तक पता नहीं किधर जाता है, क्या करता है, आंख में सुरमा डालता है, पता नहीं क्या करता है, इसका ज्ञान क्या है, घर चुराते हैं, बच्चे चुराते हैं, चुराते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, ये पहनते हैं, पैर का कर्म देख के किसी ने भी उसको पहचाना नहीं। ये भी भगवान की माया है, तो आप ही ऐसी माया फैलाता है, और जब माया का पर्दा हट जाता है, आप ही उसको दिव्य दृष्टि देता है, तो
तो भाई मेरे को पहचान, जिस जिसने पहचाना, जिस जिसने उससे फायदा लिया वो तो आज मुक्त होकर बैठे। तुम्हारे लिए देरी मिलना आज भी ज्यादा है, आज भी वो वाणी है, कोई सब सेम सेम जो है चलता रहता है चलता रहता है, कोई भी कमती नहीं है, दिन ब दिन और भी ज्ञान बढ़ता जाता है। तुम्हारे लिए भी चांस है, चांस नहीं गवाओ, तुम भी आज संकल्प करो मैं भी दादा जैसा हूंगा, जीवन मुक्त विदेह मुक्त निर्वाण पद मेरे को भी मिलेगा, जिसने जैसा गुरु की चरण ली वो ऐसा ही होगा। शेर का बेटा शेर होता है, हम शेर के बेटे हैं, बकरी के बेटे नहीं है। तुमको शेर चौंक की गर्जना करनी चाहिए, बहादुरी रखनी चाहिए, हम भी ऐसे बन सकते हैं। हर एक बोले आज अंदर, हम भी ऐसे बन सकते हैं। दादा से लियो आशीर्वाद आज जी, भाई हम भी ऐसे बन सकते हैं, हम तुम्हारे जैसे बनेंगे, तुम मेरे को अपने जैसा बनाओ। तो देखो आज ही तुम अंदर में ऐसी शांति और शक्ति फील करेगा, बोलेगा गुरु जैसे हमारे घर में आके बैठा है, अंदर आके बैठा। सच्चा गुरु क्या नहीं कर सकता, ब्रह्मज्ञानी गुरु के हाथ में सब कुछ है, सब कर सकता है। ये दादा लक्ष्मी की दोनों की कुर्बानी है जो सबको आज भी देखो कितना ज्ञान चल रहा है, जहां तहां ज्ञान की ये जो है मदद पहुंच रही है, ये सब उनकी कुर्बानी है। तुम भी सब कुर्बानी की लाइफ गुजारो, देना सीखो, प्यार सीखो, जो जो हमारा गुरु करता है ऐसा तुम करो, ऐसा तुम समझो, ऐसा तुम फील करो अंदर में, ऐसा ज्ञान पक्का करो, तुम्हारी लाइफ भी ऐसे ही बनेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, जैसा संकल्प करेगा तैसा होगा। आज का तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, भाई हम दादा के जीवन से क्या सीखा, तुम बता। तो कईयों को ये पता नहीं है कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। तो जिसकी बुद्धि सात्विक है वो ये जान सकता है कि प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है। जैसे राजा जनक प्रवृत्ति में रहता था, जैसे ग्रस्त के बीच में रहता था तो भी निवृत्त था, बाहर से प्रवृत्ति में था तो भी अंदर सबसे निवृत्ति में था। तो ये जो सच्ची बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, वो उसको जानती है कि ये प्रवृत्त होते हुए भी निवृत्ति में रहता, भी सबके बीच में ग्रस्त में, और अंदर इसका मन जो है वो आत्मा में, माना सबसे उपरा में निवृत्त है। और निवृत्ति को भी जानने वाली बुद्धि, भाई जैसे जंगल में जाके सन्यासी लोग रहते हैं, निवृत्त होते रहते हैं, लेकिन उसका मन प्रवृत्त होता है संसार में, तो जैसे निवृत्ति में भी प्रवृत्ति में, और राजा जनक प्रवृत्ति में रह के भी निवृत्ति में। तो सच क्या है, निवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, उसको जानने वाली बुद्धि जो है वो तेज बुद्धि होती है, उसको सात्विक बुद्धि बोलता है। तो ये शरीर और मन और इंद्रियां प्रवृत्त होते हुए भी मैं आत्मा में हूँ, माना मैं निवृत्ति में, ये बुद्धि जो जिसको जानती है भय अभय क्या है, सचमुच भय किसको बोलता है, अभय किसको बोलता है। तुम शरीर में रहेगा तो जरूर भय में आएगा, और जो अभय है वो आत्मा है, भय अभय को जानने वाला। अभय माना आत्मा का रूप, हमेशा अभय है, वो किसी से डरता नहीं। पर शरीर में आके तुम अगर किसी से नहीं डरेगा है, तुम जीव भाव है लेकिन किसी से डरता नहीं है, तो रण कर्म करे। उधर भय भी जरूरी है, कहाँ भय रखना चाहिए, कहाँ निर्भय होना चाहिए, ये जो सात्विक की बुद्धि है सबको जानती है। किधर मैं निर्भय हो जाऊं, भगवान के रास्ते में हूं तो निर्भय हूं, अगर हम मन में रह के शरीर में रह के जगत में रह के अगर हम निर्भयता से चलेंगे, मेरे को किसकी परवाह नहीं है, मैं क्या भी करूं, मैं कैसे भी चलूं, तो राम जैसे पड़ जाएगा। इसलिए बोलता है जो सात्विक की बुद्धि है वो प्रवृत्ति निवृत्ति को, बंधन और मोक्ष को। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, शरीर में रहना बंधन है, आत्मा में रहना मुक्ति है। भाई बाहर से तुम्हारी मुक्ति हो गई या आजादी मिल गई तो ये कोई मुक्ति नहीं है। मुक्ति सच्ची ये है कि तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, मन बुद्धि से मुक्त हो जाओ, कर्मों से मुक्त हो जाओ, राम कर्म से मुक्त हो जाओ, ये है सच्ची मुक्ति। बाकी वो मुक्ति नहीं है तो भाई बाहर से तुम आजादी लिया, भाई मेरा माँ बाप कुछ नहीं बोलता है, मेरा फलाना कुछ नहीं बोलता है, मैं क्या भी करूं कैसे भी चलूं, मैं आजाद हूँ, आजादी ये नहीं है, ये तो शुरुआत हो गई। आजादी माना मन और इंद्रियों से आजादी, मन का ख्याल, मन का विचार, पाप पुण्य, जन्म मरण, दुख सुख,
लाबानी मान अपमान इसी से तुम आजाद हुआ, हिंदुस्तान आजाद हो गया, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को आजाद कर दिया, पर तुम आजाद है नहीं जी। मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है, सुबह से रात तक मैं बंधन में हूँ, मेरे को इधर जाना है, मेरे को उधर जाना है, मेरे को ये काम है, तुम आजाद है? आजाद कौन है? मैन इज अ मैन व्हेन ही इज फ्री। भगवान के लिए तुम कितना टाइम फ्री है? बंधन में पड़े हैं, बंधा पड़ा है, मेरे को ये फर्ज है, मेरे को ये धर्म है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरे को इधर जाना है, मेरे को उधर जाना है। गुरु भी तुमको बोलता है एक हफ्ता रह जाओ इधर, तुम बोलेगा नहीं, मेरा तो सच्चा नाती हो जाएगी, सब कारखाना जो है बंद हो जाएगा मेरा, ये ऐसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, नफा हो जाएगा, बहुत तुम सोचेगा। लेकिन अभी अभी मौत आ जाए तो उसको क्या बोलेगा? पीछे तो वो सब काम ऐसे ही होएगा, तुम्हारे पीछे भी होएगा, लेकिन जीते जी कोई मरता नहीं है। डाय बिफोर यू डाय, मरने से पहले मर के देखो। मैं इधर मर के भी देखता हूँ, काम तो सब चलता है। बोला नहीं, मैं भगवान के तरफ बढ़ूंगा तो मेरा काम कैसे चले, मेरा घर कैसे चलेगा, बच्चा कैसे चलेगा, सब चलेगा। मर के देखो, मना अपना अहंकार छोड़ो। बाय देश फ्रॉम योर गुरु, बाय पावर्टी फ्रॉम योर गुरु। गुरु से जाके मौत खरीद करो कि मैं ना, मैं कुछ नहीं, और गुरु से जाके पावर्टी खरीद करो, गरीबी खरीद करो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा पैसा नहीं है, सब भगवान। जब तुम सब भगवान का समझेगा तो तुम तो गरीब हो गया, तुम्हारी तो एक पाई भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, सब पदार्थ ईश्वर का है, तो तुम्हारा क्या है? तो शाहूकारी का अपमान चला जाए। राजा जनक को ज्ञान तभी लगा जब उसकी शाहूकारी का अपमान पहले पहले गुरु ने कहा कि तू शाहूकार नहीं है, तू राजा नहीं है, राजाओं का राजा भगवान, तुम राजा भगवान के आगे तुम अभी भी फकीर है, भगवान के दरवाजे पर तुम अभी भी फकीर है, राजाओं का राजा बन सारी सृष्टि का राजा जो है वो भी भगवान के आगे फकीर है, वो भी भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान आज तो राजा ही दिया है, कल भी आप जो देगा तो ऐसा ही होगा, जैसा तुम करेगा तैसा ही होगा, आज भी तुमने ही दिया है सब कुछ और कल भी तुम ही देगा, तुम ही देने वाला है, तुम ही लेने वाला है, मैंने तो कुछ नहीं कमाया है, नहीं पाया है, नहीं मेरा कुछ है, नहीं मेरी कोई होशियारी चलती है, नहीं कोई मेरी बुद्धि चलती है, इधर सब कुछ तुमने ही दिया है, तुम ही है, ऐसा सृष्टि का राजा भी ऐसा प्रार्थना करके भगवान के आगे झुकता है, निम्रता करता है। राजाओं के राजा को भी गुरु के आगे निम्रता करके झुकना पड़ता है कि तुम मेरे को ज्ञान दियो, क्योंकि मेरे को मन की शांति नहीं है। भले राजा हो तो भी गुरु के आगे झुकना पड़ता है, परमात्मा के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए गुरु से आके पावर्टी लेना, गरीबी लेना कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं, नहीं मैं हूँ, नहीं मेरा है, नहीं मैं कुछ करता हूँ, इधर भगवान है, मैं नहीं हूँ, और मेरा कुछ नहीं है, जानता भगवान, मेरी भी चीज कोई नहीं है, उधर भी भगवान की है, भगवान ही सब कुछ है और भगवान की मानता है, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरे हाथ में नहीं है कुछ करना, जो भगवान तुम कराता है वही मैं करता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं, शक्ति तुम्हारी है, सब तुम ही करता है, तुम ही कराता है मानस, ऐसा नहीं कि पाप तुम कराता है, पाप भगवान नहीं कराता है, पाप तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा लोभ, तुम्हारी वासना, तुम्हारा अहंकार पाप करा, बाकी तुम्हारे को शक्ति देने वाला परमात्मा, शक्ति उसकी है, करता तुम, तीन किस्म का करता कल सुना, शक्ति जो परमात्मा की है, लेकिन करता कौन सा होना चाहिए, जो करने वाला मनुष्य है वो कौन सा होना चाहिए, जो फल की इच्छा अहंकार का वचन नहीं बोले, जहां तहां जो भी जिसको जो है सात्व की दान दे, सबको मदद करे, सबके पुण्य के लिए रहे, सबके हित के लिए रहे, सबको फायदा दे, सबके प्यार में रहे, और अहंकार का वचन नहीं बोले, कर्ता भाव नहीं रखे कि मैंने किया, और फल की इच्छा नहीं रखे कि मेरे को फल चाहिए, तो कर्ता ऐसा होना चाहिए, वरना हर वक्त भगवान को आगे रखो कि भगवान ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, जो भी भगवान के हुक्म से होना होगा वो होगा, मेरी नहीं चलेगी, भगवान की चलेगी, तुम चाहे कुछ भी चलाओ, कितनी भी इच्छा तुम्हारी हो, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज, मनुष्य कुछ भी चाहता है तो भगवान दूसरी चीज चाहता है, दूसरा करता है, तो फिर मनुष्य आगे दुखी होता है, पर एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड, तुम अपनी विल भगवान के विल से मिला दो, जो तुझ बाणे साई बलि का, तेरा बाणा मीठा लगे, जो भगवान तुम करेगा उसमें मैं बलि का समझूंगा, तुम करो भला हम भलो ने जाना, भगवान तुम तो भलाई करता है पर मैं भलाई जानता ही नहीं,
हर बात में मैं बुराई समझता हूँ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। धीरज रखो, भगवान ने किया सब अच्छा ही किया, अच्छा ही करेगा, धीरज में रहो। तो भगवान के हुक्म से हुआ है, ऐसा ही होने का है, इसके लिए मैं राजी हूँ हर बात में। जैसा भगवान करेगा मैं हर बात में राजी हूँ। राजी रहते सिंजे सदाई सतगुण, छोटी न दिल के कारो कड़ा कड़ाचल। भाई मैं सदा ही राजी हूँ, जैसे गुरु करता है, जैसे भगवान करता है, मैं उसमें राजी हूँ। रजा में राजी रहना उत्तम में उत्तम भक्ति है। तुम कितनी भी भक्ति करो, कितना भी ज्ञान सुनो, पर रजा पर राजी नहीं है। जो भगवान करता है उसमें तुम राजी नहीं है, माने तुमने भक्ति किया ही नहीं, जाना भी नहीं, तो भगवान की भक्ति क्या होती है, भगवान क्या हो। रजा पर राजी, जब करेगा भी भगवान, सब कुछ हाथ में भी उसके है, तो हम क्यों नहीं उसको अपना पारा पटरणी दे के रखें। तुम पावड़ा पटरणी देते है ना किसी को, भाई मेरे जो है तुम जाके काम करना, माना तुम पावर सब उसको देता है। ऐसी तरह से तुम आज पावड़ा पटरणी भगवान को दे दो, भगवान तुम जो करेगा हम राजी है, जो तुम करेगा हमको एतबार, हमको विश्वास है। तुम भाई पर, भाई बार पर विश्वास रखेगा, भाई पर विश्वास रखेगा, बहन पर विश्वास रखेगा, और भगवान पर विश्वास है तो जो उसने किया वो राइट किया, अच्छा किया, हम राजी है उसमें। मिंट में नाराज होता है, मिंट में दुखी होता है, मिंट में क्रोध आता है, भगवान के किए पर भी नाराज है और मंच के किए पर भी नाराज है। मंच को भी बोला तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, सारा दिन मंच से भी उसी का झगड़ा है, तो भगवान से भी उसी का सबसे उसी का झगड़ा ही झगड़ा है। ये जो झगड़ा है तुम्हारा और भगवान का, दोनों का झगड़ा जो है वो कभी निभेगा, कभी तुम्हारा ये झगड़ा जो एडजस्ट कभी करेंगे भगवान। आज ही तुम ये कसम उठाओ, तो भगवान जो तुम करेगा उसमें मैं राजी, मेरे लिए तुम ही जाके सोचो, मैं नहीं सोचूंगा अपने लिए, पर भगवान हमारे लिए सोचे। तुम छोटा बच्चा है, बेसमझ बच्चा है, तुमको ये भी पता नहीं है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। वो भी भगवान सोच के तुम्हारे लिए जो करता है वो तुम्हारी तुम्हें भलाई है। इसलिए मनुष्य जो है वो अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना चित्त नहीं चलाए तो अच्छा है, अपनी इच्छा नहीं चलाए तो अच्छा है। जैसे भगवान की इच्छा तैसे हमारी, तुम तो ऐसे भगवान खाली बरसात बरसाएगा, तुम बोले बरसात क्यों बरसाई है, इतना दिन हो गया है, अरे ठंडी क्यों इतना दिन रखी है, ऐसी ठंडी क्यों किया है, ऐसी गर्मी क्यों किया है, थोड़ी थोड़ी बात में तुम नाराज हो, अज्ञानी आदमी। पर ज्ञानी हर बात में बोलता है बहुत अच्छा किया है, ये ठंडी किया तो फायदे के लिए, गर्मी किया तो भी फायदा होगा, आम पकेगा फिर दम पाएगा, बरसात बढ़ती है तो भी फायदे के लिए पानी आएगा, सब बात में बोलता है वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसी तरह से जो मन से तुम भी सब करते हैं ना, उसी में भी हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि हर एक अपने स्वभाव में चलता है। गीता में भगवान ने बोला है हर एक जीव अपने अपने स्वभाव में चलता है, इसके लिए तुम हट क्या करेगा, उसको बोलता है तुम ऐसा क्यों करता है, तुम ऐसा क्यों करता है, उसका स्वभाव ही ऐसा, क्योंकि उसने स्वभाव वश में ही नहीं किया है, किसी गुरु के अंदर आया ही नहीं है जो उसका स्वभाव वश में हो गए, इसलिए किसी को दोष नहीं दियो तो ये ऐसा क्यों करता है। तुम खाली अपने को सुधारो, तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं रंग क्यों चलता हूँ, मैं दूसरे को भी रंग क्यों देखता हूँ। तुम अपने को राइट दूसरे को रंग समझता है, ये भी तुम्हारा अज्ञान है। छोड़ दियो सबको, कोई रंग है या राइट है वो अपने को जाने, तुम्हारा क्या वास्ता, तुम आया अकेला जाएगा अकेला, कितना कितना किसको सुधारे, अपने को तो सुधारो। तुम परफेक्ट है, तुम्हारे में कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार असद सार वेर कार जेलसी ऐसा स्वभाव है कि नहीं है, कि तुमने सब स्वभाव को वश में कर दिया, तुमने अपने मन और इंद्रियों को वश में किया है। तुम गुरु के पास है, पहले भगवान के पास है, जब तुम पास हो तभी दूसरे को बोलना तुम रॉन्ग, पहले तुम मास्टर है सभी बातों का, मास्टर का काम है अपने बच्चे को सुधारना, तुम मास्टर है, तुम खुद ही सुधारने के लिए आते हैं, तुम खुद ही भूल करते हैं, तुम खुद ही भूला हुआ मनुष्य है, तो तुम दूसरे को कैसे क्रोध करता है तो तुम भूल क्यों। तो पहले हर एक प्राणी अपना उद्धार करने के लिए इधर आया, हर एक करे अपना उद्धार, न वो अपनी बुरी गत करे, सज्जन है अपना आप दुश्मन भी है, अपना आप जो है आत्मा से पड़े। बोले हर एक जीव अपना उद्धार करने के लिए इधर आया, मन से दे मिली है अपना उद्धार करने के लिए।
और तुमने मन से दिल कैसे गवाई, इतना साल तुम रहा दुनिया में, तो भगवान तुमको कितनी मार के देगा, क्या किया तुमने, ये जन्म लेके मन से दिल लेके छोटेपन से किया क्या, हमको बताओ तो सही अपना कर्म, कर्मों का चिट्ठा तुम गुरु को बताओ, भगवान के आगे रखो तो तुम देखेगा हम तो भूल ही किया है, या कोई सत्कर्म किया होगा, दान पुण्य किया होगा तो भी अहंकार से मैंने किया, याद है भाई की चाबी रखी होगी, मेरे को स्वर्ग मिलेगा, भगवान का समझ के थोड़ी तुमने कष्ट कुछ किया है, अपना समझ के किया, तो रॉन्ग मैन इफ अ रॉन्ग मैन यूजेस द राइट मीन्स वर्क इन द रॉन्ग वे, तो मैं रॉन्ग मैन माना अहंकारी और इच्छा वाला आदमी कुछ भी करेगा चाहे कितना भी सत्कर्म करेगा तो भी बद कर्म हो गया, क्योंकि उसमें अहंकार और इच्छा पड़ी है, तुम्हारे हर एक कर्म में अहंकार है और इच्छा है, मैंने किया मैं हूं मुझे तो जैसे जहर डाल दिया, मैं कुछ नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर कराने वाला है, मेरा कुछ नहीं है और मेरे को फल भी नहीं चाहिए, तो ये हुआ ज्ञान और बाकी सब अज्ञान, बोला सत्वगुणी बुद्धि प्रवृत्ति को निवृत्ति को बंद को मोक्ष को है को अब है को जानने वाले, ये हुई सत्वगुणी बुद्धि मोक्ष का है बंधन क्या है, जब तक मन है तुम्हारे अंदर इच्छा है तो बंधन है, प्रेम में वैराग लग गया त्याग हो गया ऑटोमेटिकल घोष करे क्या होगा अपराध, उन्हें पति परमात्मा है भले सजी रात न थे पर पति परमात्मा, इन करे उन्हें सब अवगुण ढके गालू उन्हें परमात्मा समझो, कहो पुत्र आडो हलन हक हर एक के अंदर हल, लड़की जब है तो माँ बाप के अंदर चली गए, फिर जब भी शादी किया तो मर्द के अंदर, फिर विधवा हुई देवर के अंदर अंदर, मतलब अंदर ही अंदर किसी ने किसी के चली, अकेले उसने पाप जाति नहीं किया, और जिसको आजाद दिया और पैसा है वो जाति पाप करता है, और तो के हाथ में नहीं पास पैसा है नहीं आजाद, इसके लिए वो पाप से बच गई, वो घर में बैठे ही भगवान का भजन करती है, क्योंकि जिसके ऊपर जाति दबाव आता है वो भगवान के लिए तरसती है, क्योंकि आत्मा तो हर एक की आजाद होना चाहती है इसलिए वो भगवान के लिए तरसती है, और गोपियों नहीं जब भगवान को पुकारा तभी भगवान आया था, और मर्द सब जंगल में गया था संन्यास लेने के लिए, वो था ही नहीं अभी उधर दुनिया में, जब कृष्ण आया ना तो मर्द सब चले गए थे उधर संन्यास लेने के लिए, संन्यासी बन गए, और गोपियां घर में ही बैठी थी, वो खाना पीना पका के उसको खिलाती थी, कृष्ण भगवान को रासलीला करती थी मौज करती थी, और मर्द अभी तक बैठे है उधर संन्यासी 52 लाख भाई हमको मिलेगा भगवान, घर द्वार में बैठा तुमने देखा ना किधर भी तो जाने निवृत्ति प्रवृत्ति को जाने धर्म अधर्म को जाने सच और झूठ को जाने वो सत्वगुणी बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि ये गुरु करता है हमारी, सूक्ष्म बुद्धि करता है तिक्खी बुद्धि करता है, जिससे हम सच और झूठ को एकदम जाने, नहीं तो झूठ में फिसल जाएगा, फिर गुरु को बोलेगा कि निकालो हमको, ऐसी माया है ये कोई संत नहीं है जिसकी हम गिला करते हैं, ये माया की निंदा करते हैं, ये सत्वगुणी माया है, जो भी संत साधु है तुम्हारा सत्वगुणी माया है, बाकी हम सच्चे की थोड़ी निंदा करते हैं, जो सच्चा अगर गुरु तुमको मिल भी जाता है दुनिया में तो भले जाओ, अगर राम कृष्ण जैसा गुरु मिल जाए तुमको, कृष्ण जैसा मिले राम जैसा मिले नानक जैसा मिले तो अभी भी जाओ क्या है, लेकिन तुमको मिला क्या है पहले वो बताओ, उधर से क्या मिला, सच मिला या झूठ मिला, तुम्हारा कौन सा अज्ञान गया, कौन सा विकार गया, किधर भी तुम गया तो क्या गया तुम्हारा, उधर से कौन सा फायदा मिला, ये बात है खाली, जब कृष्ण आया तो गुरु द्रोणाचार्य को माराया, क्यों द्रोणाचार्य बेचारा अच्छा आदमी था, काहे के लिए उसको गोली लगाई उसने अर्जुन, कितना बोलता है मैं गुरु को नहीं मारूंगा तो भी कृष्ण भगवान से नहीं बात, पिछाड़ी तक बोलता है उससे लड़ाई करो, पिछाड़ी तक हजारे वाड़ी बीच बीच में बोला लड़ाई करो युद्ध करो, दादे और बाबे और गुरु और गुसाई को सबको मारो, क्यों मारा है, क्योंकि उसने तुमको कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया, सच के रास्ते पर वो नहीं है, सच्चा गुरु नहीं है, इसके लिए तो झूठ के रास्ते पर खड़ा है ना, झूठ की लाइन में खड़ा हो गया, गुरु दादा बाबा सब झूठे दुर्योधन के साथ बन के बैठा तो उसको लड़ाई करनी पड़ी, ऐसी तरह से तुम्हारे जो झूठे गुरु है दुनिया में तुमको गोली लगानी पड़ेगी, जिसने तुमको ब्रह्म का आत्मा का बोध नहीं कराया, तत्व ज्ञान नहीं तुमको सुनाया, तत्व में नहीं सिखाया, उसको तुमको गोली लगानी पड़ेगी,
बाकी तो वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, झूठा भी सच्चा है, सच्चा भी सच्चा है, वो भी सच्चा है, संत भी सच्चा, साधु भी सच्चा, भगत भी सच्चा, तो भगवान भी सच्चा, सब सच्चा ही सच्चा है। पहले तुमने उसको जाना नहीं कि मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको ऐसा जुदा किया ही नहीं। पहले ही वो ना, वो भी भगवान है, संत भी भगवान है, फकीर भी भगवान है। फकीर तुम्हारे घर रोज आएगा, संत तुम्हारे घर रोज आएगा, तुम उसको पाँव पड़ेगा तो एक दिन तुम्हारे बहू को लेके जाएगा भगत। एक संत इधर आया था, बहू को लेके गया उसके भगत। तो कौन सा सच है क्या झूठ है उसको अच्छी तरह से जानो, सच से प्रीत रखो, बाकी झूठ को छोड़ो। झूठ से तुमको वैराग होना चाहिए, काटे गुड़ते मुक्त न हो। असंग चोर हराम खोर, असंग पापी पाप कर जाए, असंग पूरा पूरे जाए। हाँ बुद्धू असंग सोचे गुरु नानक का सोचे समझदा बेवकूफ अथव दुनिया में असंग पापी असंग हैड़ा असंग हैड़ा सोचे पापी आहिनि सोचे मूर्ख आहिनि ये सब जेके आहिनि से तमोगुणी कह रहा आहिनि रजोगुणी कह रहा आहिनि सभु इहो भॻवान गीता में चयो आहे सतोगुण सां तमोगुण सां रजोगुण सां केतिरो चयो अथसि टे 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 ॻाल्हियूं पछाड़ी अथव अरे अध्याय में सभु टे टे ॻाल्हियूं आख़िर पछाड़ी चई त पढ़ा भक्तीअ ताईं मूंखे पाईंदे पढ़ा भक्ति जेको आहे उहो ई मेरे में लीन हो के एको जाते।